नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं आपके साथ नीतीश ठाकुर। एक तरफ संसद में कांग्रेस वक्फ बोर्ड पर हंगामा काट रही थी, जमकर चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन वक्त नहीं लगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी के 99 सांसदों पर बड़ी आफत आन पड़ी है। आफत भी ऐसी कि सभी के सभी 99 सांसदों की सांसदी दांव पर लगी हुई है, और ये सब हुआ है राहुल गांधी की एक छोटी सी गलती की वजह से। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, साथ ही कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, पार्टी का पंजीकरण भी निलंबित करने की मांग की गई है। ये याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भारती सिंह इनका नाम है, और ये याचिका इन्हीं के द्वारा दी गई है। और कार्रवाई की जो मांग की गई है उसमें राहुल गांधी तो छोड़िए, पूरी की पूरी कांग्रेस सदमे में पड़ गई है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से कांग्रेस के सितारे चमके थे, 99 सांसद बन पाए थे, लेकिन एक गलती इन कांग्रेस के सितारों को गर्दिश में डाल सकती है। क्योंकि इस याचिका में राहुल गांधी की उन गलतियों का खुलासा किया गया है जिसके झांसे में लेकर उन्होंने जनता से वोट बटोरे। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव में के बाद जुलाई माह से प्रति माह 8500 रुपए बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो वादा झूठा निकला। इन वादे से कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वालों को प्रति माह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी। इस वादे पत्र में वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया, और इस वादे पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वादा कर रहे थे कि जुलाई तक सबके अकाउंट में खटाखट 8500 रुपए यानी कि 8500 रुपए डाल दिए जाएंगे। अब तो अगस्त आ गया है, अभी तक राहुल गांधी ने लोगों के अकाउंट में खटाखट 8500 तो छोड़िए, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं डाला। और यही वजह है कि अब याचिकाकर्ता ने फटाफट राहुल गांधी के 99 सांसदों का सफाया करने की तैयारी कर ली। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा आप सुनिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 8500। लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि कई महिलाएं कांग्रेस दफ्तरों के बाहर तक पहुंच गई थी ये जानने के लिए उनके 8500 अब तक नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिली। तो आप समझिए कि किस प्रकार से जनता को बरगलाने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया था, क्योंकि उनका खुद वादा था। राहुल गांधी ने अपने मुख से कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे और हमारी अच्छी सीटें आएंगी तो हम प्रति माह आपके खाते में 8500 खटाखट डाल देंगे, लेकिन हकीकत में जनता के साथ खटाखट वाला एक मजाक हो गया, प्रैंक कर दिया गया पब्लिक के साथ, और इसी को लेकर के याचिका दायर की गई है। आपके इसी राय क्या है, इसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।